नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर टीवी। हम बात करते हैं आज की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है जबलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जिसमें जनता से वोट के साथ नोट मांगते दिख रहे हैं दिनेश यादव। मतदाताओं के बीच जाते हैं और वोट के साथ पैसे भी मांगते हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने ईडी की मदद से कांग्रेस के सभी खाते सीज कर दिए हैं, चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं है। विपक्षी पार्टी बीजेपी बहुत पैसे वाली पार्टी है। अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में मार्च में चौथी बार बदला मौसम। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, जबकि खरगोन में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शनिवार को सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, डिंडोरी, उमरिया, सतना, रीवा, मैहर में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने 1889.29 करोड़ की काम मंजूर किए हैं। इसमें उज्जैन के साथ मंडला, जबलपुर, मऊगंज, शहडोल, पन्ना, अनूपपुर, रतलाम, छतरपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, राजगढ़, रीवा, शाजापुर, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, भिंड और अशोकनगर जिलों के लिए सड़कें, पुल, पुलिया और रेलवे ओवर ब्रिज के प्रोजेक्ट शामिल हैं। सबसे ज्यादा राशि उज्जैन के खाते में गई है। अगली बड़ी खबर है कांग्रेस और अन्य पार्टियों को छोड़ भाजपा को ज्वाइन कर रहे नेताओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल छिंदवाड़ा से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक ने विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही उनकी पत्नी हरई नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह और जिला पंचायत सदस्य केसर नेताम ने भी साथ में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अगली बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर आज रंग पंचमी मनाई जाएगी और परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसमें खास बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं तुलसी सिलावट सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस यात्रा पर 10 ड्रोन और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और हथियार लाने वाले लोगों पर रासुका जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर है पन्ना से, जहां पर लोक आयुक्त पुलिस संगठन सागर टीम ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी संभाग पन्ना के सहायक अभियंता रत्नेश कुमार वर्मा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें कि वाहनों के बिल पास करने के एवज में सहायक अभियंता ने इमरान अली निवासी बैनीसागर मोहल्ला पन्ना से रिश्वत मांगी थी, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप कार्रवाई की सहायता से अभियंता के कार्यालय में अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर है छिंदवाड़ा के मझिया पार और ग्वारी माल से, जहां पर आयोजित जनसभा में छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 14 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, युवाओं के हाथ खाली हैं और किसान कर्जदार एवं महिलाएं असुरक्षित हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है और शिक्षा से लेकर रोजमर्रा की सामग्री तक महंगाई की मार है। भाजपा जनता से कहती है कि भारत सशक्त हो रहा है, लेकिन रेलवे, एयरपोर्ट सहित तमाम सरकारी संपत्ति बेचकर रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र खजुराहो की 8 विधानसभाओं के विधायकों के साथ क्षेत्र के जिला अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रभारी के साथ सामूहिक बैठक की। इस बैठक में खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर है रेलवे पर काम करने वाले कुलियों की 5 साल बाद मजदूरी बढ़ा दी गई है।
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुलियों की सामान ढोने की दरें लगभग 5 साल बाद बढ़ाई गई हैं। रेलवे बोर्ड के कुलियों की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ मेहनताने में भी वृद्धि करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें 40 किलो से अधिक वजन होने पर रेल यात्री को 250 की जगह 340 रुपए देने होंगे और व्हीलचेयर पर बुजुर्ग या बीमार को लाने के लिए 130 रुपए की जगह 180 रुपए देने होंगे एवं स्ट्रेचर पर ले जाने पर 200 की जगह 270 रुपए देने होंगे। अगली बड़ी खबर है, रेल में बिना टिकट यात्रा के दौरान यात्री क्यूआर कोड स्कैन करके जुर्माना भर सकते हैं। हम आपको बता दें कि यात्रियों से अवैध वसूली रोकने के लिए 1 अप्रैल से खास शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। अगर कोई यात्री बिना टिकट की यात्रा कर रहा है तो वह क्यूआर कोड स्कैन करके जुर्माना भर सकता है। उसे टीटी को जुर्माने से अधिक राशि देनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की अभी तक की 10 बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या कुछ नया अपडेट आता है। वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ।